दोस्तों LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इस पर DRDO एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट साथ मिलकर काम कर रही है। ये मिसाइल एक अपग्रेडेड वेरिएंट हो सकता है निर्भय क्रूज मिसाइल का। दोस्तों इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी और ये न्यूक्लियर केपेबल होगा। लेकिन दोस्तों इस मिसाइल में एक खास बात है, वैसे तो ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल कहलाएगा यानी साउंड की स्पीड से कम, और इसकी स्पीड करीब Mach 0.74 जितनी होगी। लेकिन जब ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेस पर होगा तब ये अपनी सुपरसोनिक स्प्रिंट दिखाएगा, जिससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और ये मिसाइल काफी हद तक अमेरिकन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जैसा होगा, इसमें भी फोल्ड आउट विंग्स लगे होंगे बेटर क्रूजिंग के लिए। एक बार इन्हें डेवलप करने के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन्हें मॉडिफाई किया जा सकेगा। 2024 तक शायद हम इसके ट्रायल्स को होते हुए देख पाएंगे। दोस्तों आपका इस मिसाइल के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।